6 ईयर्स हो गए गाइस हमारे उस वीडियो को, एवरी पबजी प्लेयर विल वॉच दिस एंडिंग, जहां से एक तरीके से हमारा पूरा करियर शुरू हुआ था। भाई वो वीडियो का आरओआई कितना परसेंट होगा? कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपए कमाया उस वीडियो से मैंने, अभी बता रहा हूँ, एवरी पबजी प्लेयर विल वॉच दिस एंडिंग से, क्योंकि वो बहुत पहले अपलोडेड था और बहुत छोटा वीडियो है। वो कितना भी व्यूज आ जाए उस पे रेवेन्यू इतना नहीं आएगा कभी। बहुत रेवेन्यू नहीं बोलेगा क्या? रेवेन्यू नहीं बोलना है। अरे वो वीडियो में बोला तो था, एक वीडियो में क्या एक वीडियो में बोला था कोई, तो वो एवरी पबजी प्लेयर का रेवेन्यू बताया था मैंने। हाईएस्ट व्यूड वीडियो का रेवेन्यू बताया? नहीं, हाईएस्ट व्यूड वीडियो का रेवेन्यू मैंने आज तक नहीं बताया। मैं बता दूं गाइस, मेरे को इंस्टाग्राम पे सेकंड हाईएस्ट वीडियो व्यूड है, यस, बट उसका हाईएस्ट अर्निंग है मेरा। स्टार्टिंग का एक फिगर बताऊं मैं, लोग गेस कर लेंगे क्या? दो? टू? हाँ टू। तो टू बताने से कुछ गेस नहीं होगा। अब 2 लैक्स भी हो सकते हैं, 20 लैक्स भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, क्या होगा? इससे बात करने जा रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैं अपने एक पुराने वीडियो का कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा सीन है। वो 6 साल हो गया ना, एवरी पबजी प्लेयर विल वॉच दिस एंडिंग। आज के दिन ही अपलोड ये किया था, अपलोड। कैसे याद रहता तुझे ये सब? कोई मेरे को याद दिलाता है यार, मेरे पब्लिक याद दिलाती है। रौनक की आवाज है। अच्छा, कौन नेट भी नहीं पड़ेगा कोई? रौनक आइकॉनिक यहां पे मत रहे, लेफ्ट साइड से खिड़की, लेफ्ट साइड से जो खिड़की आएगी उसका क्या करेगा? शांति से वो यूएमपी वाला। ओह इधर कोने में हो जा, अंदर अंदर हो जा, कोने में, इधर कोने में हो जा, पुश मार ले, एक और मार ले। वाह कसम भाई, क्या गया था भाई ऊपर। भाई साहब एक से ज्यादा स्कोर नहीं है भाई, मैं बैठ के खुद एडिट किया था ये वीडियो। अभी जो मरा वो, हाँ, मैं खुद एडिट किया था ये वीडियो, सारे तम ये सब है ना, जो मैं खुद लिखा था। अंदर भाग मॉडल, करता रहे और एक लगा जीत गया रे, जीत गया। नहीं इसमें मरेगा, बच गया, अब मरेगा तू। अरे वो लोग, अरे अरे म्यूजिक बढ़ा दिया हुए मैंने, क्या क्या एडिटिंग करता था मैं, म्यूजिक को मैंने स्लो से फास्ट किया है। Fuck this shit. भाई इसने 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 लगाई होती ना मेडकिट तो खत्म था गेम। PPM अमिल। रचित नहीं भाई, रुचित भाई, हम सारे कॉन्करर में थे शायद तभी। ओ मैन, ये थे स्क्वाड भाई, क्या मजा आता था भाई। ठीक है, अच्छा कॉन्करर पहुंचा वो था। नाइन्थ में हूँ मैं इधर। अच्छा, आर आई पी आशिक भाई। ये लोग, ये तो स्पोर्ट एथलीट्स भी रहे ना, ये पॉन्ड्स वॉन्ड्स मेरे ख्याल से। क्या बात है, एडिटर तो हूँ मैं भाई। लेकिन आज मेरे हिसाब से लोगों का खेलने का तरीका चेंज हो चुका है। मेरे हिसाब से आज भी हर एक क्लासिक मैच एक स्टोरी बन सकती है, एंड ऐसे नहीं बट इसके जैसे सिमिलर बहुत सारे मोमेंट्स है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो लास्ट तक रहना और वो पेशेंस कि यू हैव टू गिव 30 मिनट्स टू अ गेम, वो बहुत जा चुका है अभी। एवरीवन वांट्स टू एंड द गेम अर्ली, चिकन डिनर आए ना आए, किल्स आने चाहिए, एंड किल्स के चक्कर में कभी स्टोरी नहीं बन पाती एक मैच में मेरे हिसाब से। बट आप कभी भी देखो, जब मैच लास्ट में इंटेंस होता है तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कंपेरेटिवली, जब बिल्डिंग में मैच एंड होती है वो सब जगह पे। एक नॉर्मल चिकन डिनर से बेटर वो वाली फीलिंग होती है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो वैसा है कि एक स्टोरी क्रिएट होती है ना जब क्लासिक मैच में, एंड मेरे हिसाब से दैट इज द ओनली रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल लाइक
कितना कॉमन चीज है ना ये, बस 15 किल, 15 finishes, 20 finishes, 25 finishes, 30 finishes, 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 finishes. Where is the fucking story? When you are streaming, there should be a story. वरना वही है. इसीलिए मैं मालूम है आप लोग को, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, 1 मिनट हम लोग को कहीं पे होल्ड करना है, 1 या 2 मिनट. उसके आगे तो फिर खेलेंगे ना, गाड़ी निकाल निकल, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है सच बताओ तो. एंड दीज वर द टाइम्स जब ये टाइप के वीडियोज़ में डालता था ना, तब मेरे लिए द गेम वॉज मोर अबाउट सर्वाइवल, बिकॉज वेन यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव यू ऑब्वियसली गेट किल्स, बट स्टोरी तब क्रिएट होता है जब तुम एंड तक बचते हो. मिड मैच में वैसा टाइप का स्टोरी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता.